श्री रमेश बिदुरी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक ऐसी ज्वलंत समस्या और एक सामाजिक बुराई जिसमें गुमशुदा लोग और गुमशुदा बच्चों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सभापति जी, आज स्थिति ऐसी नहीं है कि जैसे पहले केवल बच्चे कुंभ मेले या अन्य भीड़ भाड़ में वाली जगह में गुम हो जाया करते थे, बल्कि आज कई इस प्रकार के गिरोह संगठित अपराध को अंजाम दे रहे हैं। यह लोग बच्चों को अगवा कर अवैध मानव व्यापार, विकलांग बनाकर उनसे भीख मंगवा कर चोरी करवाना, बाल मजदूरी जैसे कार्यों में धकेल रहे हैं। ध्यान देने वाली बात अध्यक्ष जी है कि गायब बच्चों में 55% लड़कियां होती हैं तथा लापता बच्चों में 45% बच्चे कभी नहीं मिलते हैं। देश में लगभग 1,00,000 बच्चे हर वर्ष गायब हो जाते हैं। राजधानी दिल्ली में ही 18 बच्चे प्रतिदिन गायब होते हैं तथा यूनिसेफ के अनुसार भारत में 3,00,000 भीख मांगने वाले बच्चे हैं। उधर पड़ोसी मुल्क चाइना, जहां जनसंख्या बहुत है लेकिन वहां केवल 10,000 प्रतिवर्ष के करीब ये संख्या है। मैं इस विषय पर सर्वोच्चतम न्यायालय भी इस विषय पर कठोर टिप्पणी कर चुका है अध्यक्ष जी, कई बार राज्यों के डीजीपी व चीफ सेक्रेटरी को तलब भी किया जा चुका है। दूसरी तरफ बच्चे ही नहीं, कुछ लोग भी गुम हो जाते हैं मानसिक बीमार होने के कारण से। उनके गुम होने के कारण वो मिल नहीं पाते हैं। सरकार गंभीरता से कैसे लेती है वो आप भली प्रकार से जानते हैं। मैं इस गंभीर समस्या पर सभी संस्थाओं को अपनी जिम्मेवारी निर्धारित करने और अधिक संवेदनशील होने की आवश्यकता की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। अब मैं मूल बात पर आता हूं अध्यक्ष जी, इसके केवल राष्ट्रीय दूरदर्शन जो चैनल है, इन गुमशुदा बच्चों या उनके परिवार कंप्लेंट लिखाते हैं, उनकी जो एड दिखाई जाती है वो केवल दूरदर्शन पर दिखाई जाती है जो इंटीरियर गांव में चलता है। लेकिन मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर ये अवैध बच्चों से जो अवैध कार्य कराए जाते हैं और बच्चे वहां पर होते हैं, तो जो प्राइवेट चैनल जितने भी चल रहे हैं देश के अंदर, सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि उन प्राइवेट चैनलों को भी उनकी मानवता के प्रति, उस सभी निजी चैनलों को, न्यूज चैनलों को इस प्रकार के दिशा निर्देश जारी करे जिससे वे दिन में कम से कम 15 मिनट हर चैनल कोई एक वक्त तय करे और सरकार के दिए हुए आंकड़ों के अनुसार उन गुमशुदा लोग, गुमशुदा बच्चों की वो भी चित्र प्रदर्शित करते और समाज में जानकारी दे। केवल माध्यम दूरदर्शन के माध्यम से ना किया जाए, उन गुमशुदा बच्चों का अनिवार्य विज्ञापन दिखाए ताकि वे भी समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारी का ठोस परिचय दे सके। हम सभी इस समस्या में सामाजिक बुराई के निवारण की ओर एक कदम आगे बढ़ाएं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।